हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम शर्मिला और मेरा नाम है सरवर। और हाँ गाइस, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं ब्लैक पिंक की लाइव परफॉर्मेंस का, जो कि द्रु द्रु जो उनका सॉन्ग है जो भी बहुत पहले आया था, हमने उसका भी रिएक्ट कराया, तो आज उस परफॉर्मेंस का रिएक्शन देने जा रहे हैं, जो कि ब्लैक पिंक का अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल सॉन्ग और बेस्ट सॉन्ग कह सकते हैं जो कि हमने सुना है। मतलब कि ये सॉन्ग ने 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। आप देख सकते हो ब्लैक पिंक के लिए बहुत बड़ी बात है ये। मतलब बहुत बढ़िया व्यू म्यूजिक था इसमें, बहुत बढ़िया इन लोग के स्टेप्स थे, तो आज हम उसी की लाइव परफॉर्मेंस पे रिएक्शन देंगे। और गाइस, ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे जो मैक्सिमम सब्सक्राइबर है वो उसी सॉन्ग से आए, ब्लैक पिंक के फैंस है, उसी सॉन्ग को देख के हमारे ज्यादा ब्लैक पिंक के फैंस आए। बिल्कुल, हमने उस पर भी रिएक्ट किया हुआ जो कि हमारी फर्स्ट ब्लैक पिंक रिएक्शन वीडियो थी, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। हमने उसके भी बारे में डिस्कशन से रिव्यूज किए हुए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और हमने सिर्फ यही नहीं, ब्लैक पिंक की और भी बहुत सारे जो कमाल के जो आजकल लेडीज सॉन्ग्स आ रहे हैं, हम उनसे भी रिएक्ट करा है। तो गाइस, आप मैं लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट, तो आप जाके चेक करना मत भूलिएगा। तो गाइस, ये इनकी लाइव परफॉर्मेंस है जो कि दी लेट शो में इन्होंने परफॉर्म की हुई है, तो आज हम उसी पे रिएक्शन देने आ रहे हैं, जो कि एक अमेरिकन शो है। नॉर्मली ये लोग अमेरिका में ऐसे करते रहते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस, बिकॉज अमेरिका में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में केपॉप को बहुत रिस्पेक्टिवली नजर से देखा जाता है। बिल्कुल, तो गाइस अभी है इनकी परफॉर्मेंस दुरुद दुरुद वाली, तो गाइस चलो देखते हैं कि इनकी कैसी है परफॉर्मेंस, बाकी शेयर इसके रिव्यू बाद में करेंगे। Guests are a wildly popular K-pop group who announced their first U.S. tour today and are making their American television debut tonight. Please welcome Blackpink. Blackpink. Sense. Oh, this is not here. Blackpink. Views वगैरह सब कुछ कमाल की है. Blackpink in your area. बड़े दिल बाद तुम्हें यार अच्छा, जैसे हिंदी में सुनी थी वैसी सेम टू सेम वॉइस है, कोई चेंज नहीं होता। तो डांस करना पड़ रहा है, माइक पकड़ ली और आ गया एपिक मोमेंट। हाँ, जब दूर दूर बोलते तो म्यूजिक कितना बड़ी चलता है, साथ में होते हैं Amazing, very
piece Square Up is out now. Catch them on their first US tour this spring. Blackpink, everybody, we'll be right back. Amazing. So guys, Bhavan ki dance performance to bahut amazing thi yaar. Matlab hum isliye live performance pe reaction dete hain kyunki inki live performance bahut badhiya hoti hai. क्योंकि इनके में म्यूजिक और सब कुछ इनकी पता पड़ जाती है. जैसे कि इन्होंने अभी गाना गा रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, तो इससे इनकी रियल मेहनत के बारे में पता पड़ जाता है. एमवी में ये होता है आप टेक्स बहुत ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको एक बार में सब करना पड़ता है. और इन्होंने कितने बार वो रिहर्सल करी होगी जब परफॉर्म करने से पहले. अमेजिंग यार, ये तो होती है लाइव परफॉर्मेंस के बाद. और जब जो मेन वाली लाइन होती है ध्रुव वाली, वो कितनी कमाल की बोली उन्होंने. मतलब वो ही बेस्ट लगी थी. और जब म्यूजिक बजता है लास्ट में, जो फ्लूट वाला जो म्यूजिक ऐड करके जो बजता है, मतलब अजीब सा, बहुत कमाल का लगा. म्यूजिक की सबसे बड़ी खासियत है इस सॉन्ग की, और एक वो दुरु दुरु वाला डायलॉग. और हाँ, लीजा का रैप हमें इसमें सिर्फ थोड़ा सा सुनने को है, लेकिन वो भी बहुत अमेजिंग था. मतलब यकीन नहीं होता, ये चारों इतना बेस्ट म्यूजिक बनाते हैं. चाहे इनकी बॉम्बई आन वाली वीडियो हो, चाहे इनकी किल दिस लव हो, और ये जो वीडियो थी ये तो बेस्ट थी. मतलब ये चारों का जो होता है बहुत कमाल का म्यूजिक होता है. वेल, हमने इनकी लेटेस्ट एमवी लव सिंगल पे भी रिएक्शन दिया हुआ है, आप जाके वो भी देख सकते हैं. और यही हमने आइसक्रीम पे भी दिया है, जो कि लेटेस्ट सॉन्ग है, बिकॉज हम देते रहते हैं. बिल्कुल गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में, गाइस चेकआउट करना मत भूलना, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना. और हम इनके आगे भी लाइव परफॉर्मेंस पे रिएक्शन देते रहेंगे. वेल, हमने इससे पहले इनकी एक लाइव परफॉर्मेंस पे रिएक्शन दिया हुआ है, जो कि 3-4 सॉन्ग्स की मिलाकर के थी, तो आप वो भी देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो आपको शो भी होगी. और यही नहीं, फ्यूचर में ब्लैकपिंक पे और भी बहुत सारे कमाल के रिएक्शन लेके आने वाले हैं. तो ब्लैकपिंक फैंस, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखना, बेल आइकन भी दबा के रख देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए. क्योंकि हम लेटेस्ट एमवी का भी रिएक्शन देते रहते हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहो. इसलिए मैं सब्सक्राइब करके बोलता हूँ, सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बिकॉज मैक्सिमम ऑडियंस आके देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते यार. तो गाइस, आज की वीडियो बस इतना ही. और गाइस, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल.